बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो तिलक लगाना हिंदू परंपरा में एक बहुत विशेष कार्य माना जाता है। हिंदू संस्कृति में, हिंदू परंपरा में सामान्यतः बिना तिलक लगाए न तो पूजा की अनुमति होती है और न ही पूजा संपन्न होती है। कोई भी अनुष्ठान होगा, पूजा होगी, तो उसमें तिलक लगाया जाएगा। तिलक जो है वो दोनों भौं के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में लगाया जाता है, कंठ पर लगाते हैं या नाभि पर भी लगाया जाता है। तिलक जब आप लगाते हैं तो उसके द्वारा ये भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जैसे गोल तिलक लगाने वाले देवी से संबंध रखते हैं, त्रिपुंड लगाने वाले शिव से संबंध रखते हैं, यू के आकार में तिलक लगाने वाले भगवान कृष्ण से संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, मन को एकाग्र और शांत होने में मदद मिलती है। साथ ही साथ जब आप तिलक लगाते हैं तो इससे ग्रहों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है और भाग्य विशेष रूप से मदद करता है। आप ये बात तो समझिए ही कि हिंदू धर्म से तिलक का गहरा संबंध है, लेकिन इसके अलावा तिलक का एक वैज्ञानिक संबंध भी है, तिलक का एक साइंटिफिक अप्रोच भी है, और तिलक आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी आपको लाभ पहुंचाता है। देखिए, बिना स्नान किए हुए तिलक मत लगाइएगा। ये नहीं कि सुबह उठे, ब्रश किया और तिलक लगा लिया। तिलक लगाने के बाद पहले स्नान कर लीजिए, फिर तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद अपने आराध्य की, देवी देवता की पूजा करिए, वो महत्वपूर्ण है। पहले तिलक आप अपने इष्ट को या अपने भगवान को लगाएंगे, इसके बाद अपने आप को, स्वयं को तिलक लगाएंगे। सामान्यतः अपने आप को तिलक लगाएंगे तो अनामिका अंगुली से, जो रिंग फिंगर है, इससे तिलक लगाने का प्रयास करेंगे, और दूसरे को अगर तिलक लगाएंगे तो उसे अंगूठे से तिलक लगाएंगे। तिलक लगा करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब आप तिलक लगाते हैं मस्तक पर तो आपके शरीर के जो ऊर्जा चक्र हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जी शरीर से निकलने लगती है। अब ऐसे में अगर आप तिलक लगा करके सोने का प्रयास करेंगे तो नींद आपकी डिस्टर्ब होगी, इसलिए तिलक लगा करके सोने का प्रयास ना करें। देखिए, अलग अलग चीज़ों के तिलक मस्तक पर, शरीर पर लगाए जाते हैं, और अलग अलग वस्तुओं के जो तिलक होते हैं वो अलग अलग इम्पैक्ट, अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे चंदन के तिलक से एकाग्रता बढ़ती है, अगर आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो इससे कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा होता है। रोली और कुमकुम का तिलक अगर आप लगाते हैं, यानी लाल तिलक लगाते हैं, तो इससे आपका आकर्षण बढ़ता है, आलस्य दूर होता है। केसर का तिलक लगाते हैं तो इससे नाम और यश बढ़ता है, जो काम रुके हुए हैं वो काम पूरे होते हैं। अगर आप गोरोचन का तिलक लगाते हैं तो इससे आपको विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है, विद्या बुद्धि आपकी बेहतर होती है। अगर आप भस्म का या राख का तिलक लगाते हैं तो इससे दुर्घटनाओं से और मुकदमेबाजी से आपकी रक्षा होती है। अलग अलग वस्तुओं का तिलक आपके मन पर और शरीर पर अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। इसी तरह से ग्रहों से लाभ लेने के लिए भी हम अलग अलग तिलक लगाते हैं। वो तिलक कौन से हैं उस पर आगे बात करेंगे। देखिए, अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं, तो लाल चंदन का तिलक लगाएंगे अनामिका अंगुली से, तीसरी उंगली से मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाने से सूर्य मजबूत होंगे। चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे कनिष्ठिका उंगली से, सबसे छोटी उंगली से। मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो नारंगी सिंदूर का तिलक लगाएंगे अनामिका उंगली से। बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो अष्टगंध का तिलक लगाएंगे कनिष्ठिका उंगली से, सबसे छोटी उंगली से। बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाएंगे तर्जनी उंगली से, यानी इंडेक्स फिंगर से।
शुक्र को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो रोली लगाइए और उसके ऊपर अक्षत यानी चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, अक्षत भी उसके ऊपर लगाइए। ये लगाएंगे अनामिका अंगुली से। शनि, राहु या केतु को बेहतर करना चाहते हैं तो कंडे या धूप बत्ती की राख लगाएंगे 3 अंगुलियों से, त्रिपुंड की तरह। ऐसा करने से शनि, राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी।